हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रणव कुमार। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये टॉपिक भी साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है, बट ये टॉपिक कम्प्लीटली डेडिकेटेड है रीडिंग स्किल्स पे। काफी कॉमनली ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन की कमी होती है या जो भी पढ़ते हैं उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रॉपर रीडिंग स्किल वो अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं। और अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं जिनको अगर आप अपने पढ़ाई के टाइम पे यूज करें और जैसे जैसे उन मेथड्स को आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उसके बाद आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आप किसी भी कंटेंट को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। किसी भी चीज को बाय हार्ट करना बिल्कुल टफ नहीं है। कुछ स्पेशल ऐसे टेक्निक्स है जिनको यूज करते हुए आप बहुत ही इजीली किसी भी चीज को मेमोराइज करते हैं, चाहे वो 20, 30, 35 डिजिट के नंबर्स हो, चाहे वो कोई लॉन्ग लिस्ट हो ऑब्जेक्ट्स के, या फिर कुछ भी आपके स्टडी से रिलेटेड हो, कोई टेबुलर फॉर्म की इन्फॉर्मेशन हो, हिस्टोरिकल थ्योरी हो जो कि आपको पॉइंट्स में मिलते हैं, या इसके अलावा साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, वैल्यूज है, फॉर्मूला है, मैप है, लॉन्ग थियरीज है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं उनको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। सिर्फ पता होना चाहिए कि याद करने का प्रॉपर तरीका क्या है। अगर आप एक बार इस चीज को सीख जाते हैं, यानी स्किल को अपने में एक बार डेवलप कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप अपने स्टडी का जो भी लोड फील करते हैं, प्रेशर फील करते हैं, वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। आप पढ़ाई को एंजॉय करने लगेंगे और आप जितने टाइम में अभी पढ़ाई करते हैं उतने ही टाइम में 3 times या 4 times ज्यादा कंटेंट को मेमोराइज कर पाएंगे। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और किसी भी चीज को याद करना बहुत आसान होगा। एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस नहीं होगा, आप भूलेंगे नहीं, भूलने की आदत बिल्कुल चली जाएगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो इसके लिए साइंटिफिक तरीका क्या है पढ़ने का, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और कैसे उन साइकोलॉजिकल मेथड्स को यूज करते हुए किसी भी चीज को बस एक बार पढ़ के या सुन के या देख के मेमोराइज कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है नंबर्स को मेमोराइज करना बहुत टफ है, इसीलिए चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे बैंक अकाउंट नंबर हो, चाहे कोई आईडी हो, ये सभी 10-12 डिजिट्स के अंदर ही होती है, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी 10-12 डिजिट से ज्यादा के नंबर्स को याद नहीं कर सकता। और अभी तो ऐसा हो गया है कि 10 डिजिट्स के नंबर को भी हम लोग याद नहीं रख सकते, अपने कॉन्टैक्ट्स को भी मोबाइल में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपने मेमोरी को यूज करते हुए सीक्वेंस ऑफ लॉन्ग डिजिट नंबर्स को भी हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले 2 डिजिट्स के मुझे रैंडमली कुछ नंबर्स देने हैं और मैं उनको लिखूंगा और उसके बाद फिर उसको मेमोराइज करने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो पहले 2 डिजिट्स के कुछ मुझे नंबर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर बताइए, फर्स्ट डिजिट नंबर 1 3 3 3। ओके, नेक्स्ट 1 7 1 7। ओके, नेक्स्ट 0 7 0 7। ठीक है, 3 6 3 6। ओके, 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 7 2 7 4 9 4 9 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 3 2 3 2 1 9 1 9 2 2 2 2 1 5 1 5 0 8 0 8 4 7 4 7 3 1 3 1 1 0 1 0 8 4 8 4। ठीक है, यहीं तक लेते हैं। और ऐसे अगर इस इन डिजिट्स को याद करना हो तो नॉर्मली कितना टाइम लगना चाहिए किसी को भी, और आपको क्या लगता है कि इनको मुझे याद करने में कितना टाइम लगना चाहिए? तो आइए पहले मैं देखता हूँ कि मुझे कितना याद है अभी और कब इसको याद करने के लिए और कितना टाइम की जरूरत है। तो अब एक काम करते हैं, बोर्ड दिख रहा है क्लियर? तो यहां से शुरू करते हैं। मैं बोर्ड को बिना देखे हुए एक बार नंबर्स को रिपीट करने की कोशिश करता हूं। सो द नंबर्स आर 1 3 1 7 0 7 3 6 2 3 3 3 2 7 4 9 देन इट इज 1 1 देन इट इज 1 2 1 0 3 2 1 9 2 2 देन इट इज 1 5 0 8 4 7 देन इट इज 3 1 देन इट इज 3 1 देन इट इज 1 0 देन इट इज 8 4। तो
अगर आपने एक बार कंसंट्रेट किया और एक बार इन चीजों को प्रॉपर तरीके से फोकस किया और उन साइकोलॉजिकल मेथड्स को यूज किया, तो आपको दोबारा फिर नंबर्स को देखने की जरूरत नहीं है। जब आप एक बार उसको देखते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं, वो आपके दिमाग में बिल्कुल स्टोर हो जाती है। एक तरह से ये आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह काम करती है और आपको दोबारा इसे फिर देखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद हम लोग दूसरा डेमो भी देखेंगे, पहले इसको आप लोगों को समझा देता हूं कि ये कैसे होता है। यहां हम लोग फोटोग्राफिक मेमोरी की यूज करते हैं। आपकी आई मेमोरी आपकी ईयर मेमोरी से 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अगर आप किसी चीज को भी देख लेते हैं पिक्चर के फॉर्म में, यानी अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को यूज करते हैं, तो किसी भी चीज को याद करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपको रात को सपने आते हैं, सपना तो हकीकत में नहीं चलता है, बट उन सभी चीजों की पिक्चर्स दिमाग में दिखती है। वैसे ही हम लोगों के पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी है जिसको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। अगर आप उसको यूज करना सीख जाए तो आप किसी भी चीज को बस एक बार पढ़कर देखकर और सुनकर आराम से समझ सकते हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल के साथ इसको क्लियर किया, आगे कुछ और डेमो के साथ भी इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थीम्स को मेमोराइज करना हो तो उसको कैसे कर सकते हैं, ये डेमो भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट थिंग या कुछ भी आपके माइंड पे आ रहा है वो बताइएगा, सीरियल वाइज हम लोग उसको नोट करेंगे। रैंडमली जो भी दिमाग में आता है बताइए। सबसे पहला वर्ड या ऑब्जेक्ट जो आपके दिमाग में आ रहा है बताइए कौन सा। एप्पल। एप्पल, ओके। सेकेंड वॉच, ठीक है। थर्ड फोन। नेक्स्ट बॉल। नेक्स्ट टीवी। हाँ टीवी, टीवी। नेक्स्ट बैट। नेक्स्ट रेनबो। नेक्स्ट बाइक। नेक्स्ट बेड। बेड, बेड। नेक्स्ट पिल्लो। नेक्स्ट आइसक्रीम। नेक्स्ट प्लेट। नेक्स्ट फ्लावर। नेक्स्ट टॉयज। नेक्स्ट चॉकलेट। नेक्स्ट बुक्स। नेक्स्ट बिस्किट्स। नेक्स्ट ट्री। नेक्स्ट चेयर। नेक्स्ट स्पेक्स। स्पेक्स। तो ये सपोज लिस्ट है जिसको मेमोराइज करना है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे मेमोराइज किया जा सकता है। मुझे भी इसको देखने के लिए शायद हो सकता है एक या दो मिनट का टाइम लगे, लेकिन अभी मैं देखता हूं कि इसको जब मैंने लिखा है तो उतने टाइम में मुझे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो याद हो गए हैं। तो इसको देखते हैं, बोर्ड क्लियर है। तो नंबर वन इज एप्पल, नंबर टू इज वॉच, नंबर थ्री इज फोन, नंबर फोर इज बॉल, नंबर फाइव इज टीवी, देन नंबर सिक्स इज बैट, नंबर सेवन रेनबो, नंबर एट बाइक, नंबर नाइन इज बेड, नंबर टेन इज पिलो, नंबर इलेवन इज आइसक्रीम, नंबर ट्वेल्व इज प्लेट, नंबर थर्टीन इज फ्लावर, नंबर फोर्टीन टॉयज, नंबर फिफ्टीन चॉकलेट, नंबर सिक्सटीन बुक्स, नंबर सेवनटीन बिस्किट्स, नंबर एटीन ट्रीट्स, नंबर नाइनटीन नंबर 19 इज चेयर एंड नंबर 20th इज स्पेक्स। ठीक है। अब जैसे कि इसको याद करने में टाइम की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने देखा कि जब मैं इसको लिख रहा था तब ये मेरे को मेमोराइज भी हो गया लिखते लिखते ही। तो ये आप भी कर सकते हैं। देखिए ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मेथड्स है जिनको यूज आप अपने स्टडीज में कर सकते हैं और बहुत इजी से किसी भी चीज को मेमोराइज कर सकते हैं। आगे चलिए, इसमें से कोई भी एक आप नंबर बोलिए, या मैं काम करता हूं इसी लिस्ट को अब मैं उल्टा बोलता हूं, उल्टा देखते हैं कैसा होगा। नंबर 20 इज स्पेक्स, नंबर 19 इज चेयर, नंबर 18 इज ट्री, नंबर 17 इज बिस्किट्स, नंबर 16 इज बुक्स, नंबर 15 इज चॉकलेट,
नंबर 14 इज टॉयज, नंबर 13 इज फ्लावर, नंबर 12 इज प्लेट, नंबर 11 इज आइसक्रीम, नंबर 10 इज पिलो, नंबर 9 इज बेड, नंबर 8 इज बाइक, नंबर 7 इज रेनबो, नंबर 6 इज बैट, नंबर 5 इज टीवी, नंबर 4 इज बॉल, नंबर 3 इज फोन, नंबर 2 इज वॉच एंड नंबर 1 इज एप्पल। अब चलिए आप सीरियल नंबर बोलिए, मैं बताता हूँ कि वहां क्या ऑब्जेक्ट है, या आप कोई ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, मैं बताता हूँ कि वो सीरियल नंबर कितने में है। तो पहले आप एक बार सीरियल नंबर बोलिए कोई भी। नंबर 7। नंबर 7 इज रेनबो। नंबर 16। नंबर 16 इज बुक्स। नंबर 12। नंबर 12 इज प्लेट। नंबर 19। नंबर 19 इज चेयर। नंबर 3। नंबर 3 इज फोन। नंबर 10। नंबर 10 इज पिलो। नंबर 13। नंबर 13 इज फ्लावर। नंबर 2। नंबर 2 इज वॉच। नंबर 6। नंबर 6 इज बैट। नंबर 8। नंबर 8 इज बाइक। ठीक है, अब आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट बताइए, मैं बताता हूँ वो कितने नंबर पे है। रेनबो। रेनबो नंबर 7 पे है। चॉकलेट। चॉकलेट नंबर 15 पे है। वॉच। वॉच नंबर 2 पे है। पिलो। पिलो नंबर 10 पे है। टॉयज। टॉयज नंबर 14 पे है। बुक्स। बुक्स 16 पे है। ट्री। ट्री 18 पे है। स्टेप्स 20। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि इसको मेमोराइज करने में कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप सही तरीके से अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को यूज करें, जो बिल्कुल पॉसिबल है कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स एंड मेथड्स के थ्रू, तो आप भी अपने मेमोरी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस देखेंगे। और वंस आपने ये काम कर लिया और ये स्किल आपको आ गई, इसके बाद आपको किसी भी चीज को मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि इसके लिए 3 लॉज है जो रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। जब मैं इस मेथड पे रिसर्च कर रहा था और जब मेरी तैयारी चल रही थी, उस टाइम पे मुझे काफी टाइम लगा इन चीजों को डेवलप करने में, और ये एक दिन में ऐसा स्किल नहीं है कि आपको एक दिन में आप जिसको एक्वायर कर सके, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। बट आपको अगर एक बार मेथड पता चल जाता है, वंस आप इन चीजों को सीख जाते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाई बहुत इजी लगने लगेगी, आपके ऊपर पढ़ाई का कोई भी प्रेशर नहीं होगा। और ऐसा बहुत बार चला कि प्रैक्टिस के टाइम पे ट्रायल एंड एरर के फेज से मुझे भी गुजरना पड़ा, बट उसके बाद जो मैंने अचीव किए हैं वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि उसके बाद मेरे लाइफ में कैसे कुछ चेंजेस आए और उसके बाद मैंने क्या अचीव किया इन मेथड्स के थ्रू। तो देखिए इन्हें। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, या आप एक स्टूडेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप प्रोफेशनल है और डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मेथड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे और इन मेथड्स के थ्रू आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है और अगर आप ये स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी एक वेबसाइट है www.memorytraining.in। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं और इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।